तीन कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में किसानों का लगातार जंगी प्रदर्शन जारी है। इसी के चलते 27 सितंबर को भारत बंद के आह्वान के साथ देश भर में कानून के विरोध में ज्ञापन सौंपे गए। इसी के मद्देनजर खरगोन जिले में किसान भी सड़कों पर उतरे और विरोध दर्ज कराया। इस दौरान आक्रोशित किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए जंगी प्रदर्शन करके बताया कि किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है, वहीं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा हमारी मांगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और हमारा संघर्ष लगातार जारी है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ज्ञापन भी देने जा रहे हैं आप लोग दिल्ली में, जो 10 महीने से हमारे संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन चल रहा है। 10 महीने पूर्ण होने के, इसमें 26 तारीख को 10 महीने पूर्ण हो गए थे और हमारे जो 700 किसानों ने अपने प्राण त्यागे हैं उसमें भारत बंद का आह्वान संयुक्त मोर्चा के द्वारा किया गया था, उसके समर्थन करते हुए राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और संयुक्त मोर्चा खरगोन की ओर से आह्वान किया जाता है भारत बंद का और रैली निकाल कर कलेक्टर महोदया को ज्ञापन दिया जाएगा। और जो सफ़ेद सोना इस निमाड़ में पैदा होता है जिसे कपास कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं 1100-1600 में बिक रहा है और इस देश की सरकार ने घोषणा की है उसकी MSP 6025 रुपये, उससे लगभग 4-3 गुना नीचे बिक रहा है। यहाँ के प्रशासन को डूब के मर जाना चाहिए, उसका भी हम कलेक्टर महोदय के यहाँ विरोध करेंगे। और इस मंडी में, जो यहाँ पर मंडी है, इस मंडी में व्यापारियों द्वारा सारे चौपालों पर कब्जा कर लिया गया है। जहाँ देखो कहीं ना कहीं मंडी सचिव की मिलीभगत होने के कारण यहाँ किसानों को रुकने के लिए, ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। अभी हम आए तो मंडी कार्यालय में हमने दस्तक दी, उसके बाद यहाँ बैठने की व्यवस्था की। क्या मांग क्या है आपकी? हमारी मांग है कपास समर्थन मूल्य से बिके, समर्थन मूल्य से ऊपर, और मक्का भी समर्थन मूल्य से ऊपर बिके, और जो मिर्ची है बेड़िया मंडी में रद्दी कागज पर बिकती है उसे मंडी के जो बिल्टी होती है, अनुबंध क्रमांक जो होता है, बिल होता है, उस पर बिके, ये मांग है हमारी। अब हम अंधेरे में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि लूट लिया इन लोगों ने, अब मेरा किसान जाग चुका है, क्या नाम है आवाज उठाएगा। किसान नेता शिवराज सिंह चौहान भी बोलते हैं कि किसानों के लिए बहुत कार्य किए जा रहे हैं, आज उनका मध्य प्रदेश के खरगोन में दौरा भी है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज वो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के झिरनिया बिकन गाँव में आए हैं, वहाँ के मंडी में जाके देख ले, जो समर्थन मूल्य घोषित किया है उससे नीचे 1100-1200-1500 में कपास बिक रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री को डूब के मर जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर गुजर, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ संभाग मंत्री, इंदौर संभाग मंत्री। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।